और हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी जनता से आशीर्वाद ले रहे हैं। चिराग पासवान के साथ बिहार की जनता खड़ी है, वो सीएम मटेरियल भी नहीं है। बिहार की जनता उनको 3 नंबर की पार्टी बना दी, कहते चल रहे हैं कि हम पीएम मटेरियल हैं, तो कहाँ रहेंगे बिहार के राजनीति में, कोई अता पता रहेगा? ये पहले से करते आ रहे हैं, इनका ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। चिराग पासवान लगातार इन दिनों बिहार में आशीर्वाद यात्रा चला रहे हैं और उनके आशीर्वाद यात्रा शुरू होने के बाद बीजेपी ने भी जन आशीर्वाद यात्रा शुरू कर लिया, तो बिना चुनाव का चुनाव जैसा माहौल है, क्योंकि नेताओं का मानना है कि हो सकता है जिस तरीके से जो पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रही है, नेताओं एक दूसरे पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि बीच में चुनाव हो जाए, मध्यवर्ती चुनाव हो जाए, और इसको लेकर के चिराग पासवान ने भी संकेत दिया है कि बीच में चुनाव हो सकता है। फिलहाल हमारे साथ बक्सर जिला के लोजपा के जिला अध्यक्ष एवं डुमरांव विधानसभा 2020 के प्रत्याशी अखिलेश सिंह हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि यहाँ पे बक्सर में चिराग पासवान आने वाले हैं। इसी 4 तारीख को चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा के तहत बक्सर में पहुँचने वाले हैं। सर, शुक्रिया जुड़ने के लिए हम लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तैयारी चल रहा है आशीर्वाद यात्रा को लेकर बक्सर में? देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा कि 4 सितंबर को बक्सर में आशीर्वाद यात्रा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का आगमन होने जा रहा है। विगत आप कई महीनों से देख रहे हैं, पूरे बिहार के हर जिला में आशीर्वाद यात्रा चल रही है और हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी जनता से आशीर्वाद ले रहे हैं। उस क्रम में न चुनाव है, न कोई राजनीतिक परिदृश्य है बिहार में, उसके बावजूद भी लाखों की संख्या में जनसैलाब आदरणीय श्री चिराग पासवान को आशीर्वाद देने के लिए सड़क पर पहुंच रही है। ब्रह्मपुर से लेकर बक्सर तक भव्य तैयारी है। बक्सर जिले की जनता, हर जाति धर्म की जनता, खासकर युवा पीढ़ी, उनके आने से इतना उत्साहित हैं कि जो पूरे बिहार में आशीर्वाद यात्रा हुई उससे कहीं अधिक बक्सर में यह आशीर्वाद यात्रा ऐतिहासिक होगी, यह आपको विश्वास दिलाते हैं। लोजपा आशीर्वाद यात्रा चला रही है लेकिन बीजेपी भी जन आशीर्वाद यात्रा लगातार कर रही है, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, हम तो आशीर्वाद पर निकले हैं, आशीर्वाद लेने निकले हैं, और मेरा कोई अनुसरण करे तो यह अच्छी बात है। कहीं ना कहीं मेरा जो आशीर्वाद यात्रा चल रहा है उसका कोई अनुसरण कर रहा है तो कहीं ना कहीं हम आगे हैं। एक तरफ देखा जा रहा है कि जेडीयू जो है, अभी आप लोगों के संगठन के साथ जो हुआ वो तो पूरा देश जानता है, लेकिन फिलहाल जेडीयू जो है नीतीश कुमार को क्या पीएम मटेरियल बता रहा है? जनता दल यूनाइटेड ने षड्यंत्र रचकर हमारे दल के नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ, लोक जनशक्ति पार्टी के साथ जो रणनीति और जो पीछे से पीठ में खंजर भोंकने का काम किया, पूरे बिहार की जनता यह देख रही है। और यह धोखा जो है, बिहार की जनता आशीर्वाद यात्रा में यह दिखा रही है कि आप धोखा दे सकते हैं, आप चिराग पासवान जी को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान के साथ बिहार की जनता खड़ी है, माकूल जवाब मिलेगा अगले चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को। जहाँ तक रही पीएम मटेरियल की बात, तो हम तो यह कहते हैं कि वो सीएम मटेरियल भी नहीं है, पीएम तो बहुत दूर की बात है, सीएम मटेरियल नहीं है। और आज भारतीय जनता पार्टी के एहसान पर बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं और पीएम मटेरियल बन रहे हैं, यह कभी संभव नहीं है। ये दिवा स्वप्न है उन लोगों का। ये जिस तरह से हमने विधानसभा में उनको सबक सिखाया, तो सपने में भी, दिन में भी सपने चिराग पासवान जी के देख रहे थे, उसी तरह से दिवा स्वप्न है पीएम मटेरियल, सीएम मटेरियल नहीं है। बिहार की जनता उनको 3 नंबर की पार्टी बना दी, आप कहते चल रहे हैं कि हम पीएम मटेरियल हैं। अरे, भाजपा के एहसान पर, कृपा पर आज मुख्यमंत्री हैं। आज भाजपा हाथ किनारे कर ले तो कहाँ रहेंगे बिहार के राजनीति में, कोई अता पता रहेगा? तो फिर क्या ये चल रहा है, एक तरफ एनडीए में शामिल होते हुए पीएम मटेरियल खुद को बता रहे हैं, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जेडीयू का कहना है कि हम लोग वहाँ भी चुनाव लड़ेंगे,
तो एनडीए में रहती इस तरह की बगावत का ये एक तरह से नाटक है या फिर सच में कुछ होने वाला है? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, ये पहले से करते आ रहे हैं। जो भी भारतीय जनता पार्टी के अहम मुद्दे सामने आए पूरे देश में, सदन में, सबका ये विरोध किए हैं। इनका ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, धरातल पर तो इनका कोई मजबूती है नहीं, कृपा पात्र बने हुए हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स बना रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की क्या मजबूरी है जी, जो पार्टी 3 नंबर की हो गई बिहार में, उसको मुख्यमंत्री बनाए हैं, तो यह समझ के परे है। सर, आप लोग लगातार आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं, अभी आरा में और कई जगह शामिल हुए हैं, और पूरे आपके नेता जो प्रदेश में करके मतलब घूम रहे हैं, क्या लग रहा है लोजपा पहले जैसे जैसे मजबूत थी, एकजुट थी, क्या फिर से वो दौर आ पाएगा? क्योंकि अभी तो आप लोग अलग अलग संगठन बना है, टूट के बिखरे हैं लोग, तो क्या लग रहा है पुराने दौर में लौट पाएंगे आप लोग? देखिए, आपको बता देते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी को 2005 में तोड़ने का प्रयास किया गया, 9 में तोड़ने का प्रयास किया गया, 10 में तोड़ने का प्रयास किया गया। हमारे 2005 में 29 विधायक थे, 29 विधायक को तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और लोक जनशक्ति पार्टी कमज़ोर नहीं हुई। आज जो लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ जो षड्यंत्र रचकर बिहार के राजनीति में कमज़ोर करने का प्रयास, जो मुहिम बनाया गया, यह संभव नहीं है कि वो रणनीति जो है कारगर होगी। और आज जो आशीर्वाद यात्रा पर हम लोग चल रहे हैं, यह आशीर्वाद यात्रा से अस्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बिहार में कोई विकल्प नहीं है लोजपा के सिवाय। लोजपा बिहार में ताकत बनकर उभरी है, लोजपा के नेता आदरणीय चिराग पासवान जी एक बिहार के भावी मुख्यमंत्री के रूप में, विकल्प के रूप में उभरे हैं, और बिहार की जनता जो है आशा भरी निगाह से देख रही है कि युवा सोच और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के तहत बिहार को हम लोग विकसित करेंगे और चिराग पासवान को आगामी मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ये है अखिलेश सिंह जी, जो लोजपा के जिला अध्यक्ष हैं और डुमराव विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार में इन दिनों राजनीति हो रही है, चाहे जेडीयू में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार बयानबाजी है, लोजपा लगातार आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, बीजेपी पहले से ही बक्सर में जन आशीर्वाद यात्रा कर चुकी है, तो कुल मिलाकर बिहार में राजनीति बिना चुनाव का चुनाव जैसा माहौल है, और नेता जो है लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अब देखना है कि आने वाले समय में राजनीति में क्या होता है, लेकिन फिलहाल बक्सर में 4 तारीख को चिराग पासवान आने वाले हैं, और जिनको लेकर प्रचार प्रसार जोरों शोरों पर है। मैं विमल कुमार, बक्सर से।